हाँ जी भाई, सब कैसे हो? और आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार हमारा इंजन हीट कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इंजन में प्रॉब्लम है, गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, सब कमेंट्स करते हैं। तो उस सबका समस्या का समाधान आज आपका कर दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पूरा देख रहे ना लास्ट तक, और आपकी जो समस्या है वो पूरा समाधान हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो इंजन हीट करता है वो किस वजह से करता है, क्यों हीट करता है, या लंबी राइड पे करता है, या शॉर्ट राइड पे करता है, हाईवे पे करता है, और अभी गर्मी भी ज़्यादा हो गई, क्या उस वजह से करता है। तो इन सभी सवालों के आपको जवाब दे दिए जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई, इंजन की जो प्रॉब्लम है उस पर बात कर लेते हैं कि जैसा कि सब बोलते हैं कि इनकी बाइक खड़ी रहती है तो ऑयल लीकेज हो जाता है, या फिर मतलब बहुत देर तक खड़ी करी बाइक एकदम से स्टार्ट करते हैं तो झटके देके चलती है, तो वो इंजन की प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम है, वो सब आपको डिस्कस कर लिया जाएगा, क्यों होती है और वो कैसे सॉल्व की जा सकती है। तो पहला प्रॉब्लम वो होती क्यों है, इंजन लीकेज क्यों होता है, ऑयल इसलिए लीकेज होता है, इसका जो ऑयल का बोल्ट आता है, ऑयल का जो बोल्ट आता है अगर वो लूज़ हो जाता है तो आपका ऑयल लीकेज हो जाता है, और एक ही गियर की जो न्यूट्रल सील आती है अगर वो ब्रेक हो जाती है, रबड़ की आती है, तो वो टूट जाती है, वो ख़राब हो जाती है, तो ऑयल लीकेज होता है। तो वो 50 रुपये की आती है, आप शोरूम से डलवा सकते हैं। बात करते हैं इंजन गर्म क्यों होता है, लॉन्ग राइड पे गर्म क्यों हो जाता है, इतना गर्म होता है कि मतलब अपन यहाँ पे भी पैर रखते हैं तो अपन को हीट फील होती है। तो उसके लिए आप ये सप्लीमेंट होता है वो डलवा सकते हैं, इंजन ऑयल के अंदर डलेगा, जो आपको स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, और एक डलेगा आपका ऑयल टैंक के अंदर, जो ब्लैक वाला है वो ऑयल टैंक के अंदर डलेगा, और रेड वाला आएगा वो आपका डलेगा इंजन ऑयल के अंदर। तो इससे आपका इंजन हीटिंग कम होगी और आपका परफॉर्मेंस भी बूस्ट होगा। तो ये था भाई आज का वीडियो। तो यार लगभग इसकी जो प्राइस बता देता हूँ मैं, प्राइस ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 180 से 200 रुपये के आसपास है, ये दोनों आ जाएंगे आपके। 200 रुपये के अंदर आपका पूरा काम हो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, जो आपका इंजन से हीट आती है वो इंजन हीट करता है आपका, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो होंडा एसपी में आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और कुछ आपकी प्रॉब्लम आ रही है होंडा एसपी के अंदर तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसकी भी समस्या का समाधान आपका कर दिया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी जाएगी। तो यही था भाई आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम आईडी @asifvlogs, कुछ भी सवाल जवाब हो तो आप आके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। टिल देन सो फार सो गुड, ऑलवेज वियर हेलमेट, राइड सेफ, बाय बाय।